आज की डेट में एक आम आदमी फ्लाइट में सफर कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? मोदी जी के कारण कर रहा है। आज हमारे देश के प्लेटफॉर्म्स एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। किसके कारण लग रहे हैं? मोदी जी के कारण लग रहे हैं। आज एक इंडियन होने के नाते मैं अगर अब्रॉड जाता हूँ तो मुझे एक अच्छी नजरों से देखा जाता है, नॉट लाइक ए डॉग लाइक बिफोर। राहुल गांधी तो एक पप्पू है, वो रियलिटी है। मोदी जी सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं। हमारे देश ने किसी से विश्व बैंक से कोई लोन नहीं लिया है, और केवल पैसा देश के अंदर नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी सब्सिडी ला करके देश के अंदर पैसा ही पैसा कर दिया है। इतना मजबूत देश कर दिया है कि डिफेंस हमारा सबसे ज़्यादा है। सब जो है सब घबराया हुआ है, इसलिए सब एक हो गया है। उन सब पर भी मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। साल 2014, तारीख 26 मई, दिन सोमवार। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संसद की चौखट पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने माथा टेका, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जनता को एक नए भारत का सपना दिखाया, विकास की राह पर चलने का वादा किया। लेकिन क्या इन 5 सालों में बदली है भारत की तस्वीर? जनता की नजरों में कितना बदला है अपना भारत, देखिए सिर्फ NMF News पर। लंबे लंबे भाषण योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, 15 लाख रुपए का भाषण किया, आपको मिलने 15 लाख रुपए, सही दाम देने की बात की थी, मिल रहा है किसान को सही दाम, रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहाँ है कोई एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि मोदी सरकार जुमले वाली है, और जब हमारे सैनिक के सर कटते हैं एक के बदले 10 लाएंगे, 56 इंच का सीना कहाँ गया? आज इन्होंने वो चीज़ दिखा दी है, तो उनको वो चीज़ हजम नहीं हो रही है और ना ही कभी होगी। बाकी आने वाला टाइम 23 मई सबके सामने है, मोदी जी ने आना है और डंके की चोट पर आना है। कोई माइका लाल जितने गठबंधन लोगों ने किए हैं उसको रोक ही नहीं सकता है, कहीं से कहीं तक भी नहीं। ऐसा है, मोदी जी ने 5 सालों में क्या नहीं किया है। आज हमारे देश में ये लगा लीजिए, ये बच्चा भी जानता है कि अगर मैं बिस्किट का पैकेट खा के यहाँ छोड़ता हूँ तो ये गलत है, मेरे को अपने देश को स्वच्छ रखना है। ये कहाँ से आया? मोदी जी ने सिखाया। गंगा जी के बारे में कोई जानता था कि इसको भी साफ करना है? कहाँ से आया? मोदी जी ने सिखाया। ठीक है, आज की डेट में एक आम आदमी फ्लाइट में सफर कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? मोदी जी के कारण कर रहा है। आज हमारे देश के प्लेटफॉर्म्स एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। किसके कारण लग रहे हैं? मोदी जी के कारण लग रहे हैं। आज एक इंडियन होने के नाते मैं अगर अब्रॉड जाता हूँ तो मुझे एक अच्छी नजरों से देखा जाता है, नॉट लाइक ए डॉग लाइक बिफोर लोग सोचते थे। बराबर, आज की डेट में अगर एक नारी हिंदुस्तान के अंदर मान सम्मान के साथ चल रही है, मोदी जी की देन है। आज की डेट में वो बिल्कुल पिछला वर्ग जो लड़कियों को चाहता नहीं था कि लड़की तो बोझ है, जन्म हो जाएगी, कलंक लग जाएगा, बेटा नहीं है, वंश कैसे चलेगा, वो सब मोदी जी देने। जो आज की डेट में उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गर्व है। तो इससे बड़ा क्या लेंगे आप, मेरे को बताइए आप। बहुत बड़ी बात है ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। ये वो देश है जहाँ लोगों को ये सिखाया जाता है कि टट्टी कहाँ बैठ के करनी है। ये बहुत बड़ी बात है जो वो इस चीज़ को उन्होंने लोगों के अंदर उन्होंने जागरूक किया है इस चीज़ के लिए। देखो, राहुल गांधी तो एक पप्पू है, वो रियलिटी है। मोदी जी सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं, और विरोधी तो हमेशा बोलेंगे उनके खिलाफ। बताइए क्या काम बुरा करा? GST जो लगाई वो अच्छा काम करा उन्होंने, और नोटबंदी करी वो उन्होंने अच्छा काम करा। कितने गरीबों के घर बना दिए उन्होंने, कितनी योजनाएं ऐसी चला दी जो गरीबों को फायदा दे रही हैं, और बताइए क्या करें? राहुल गांधी नेता है, केजरीवाल नेता है, तो मोदी भगवान है फिर, अगर वो नेता है, वरना वो नेता कहलाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। मोदी ही है जी सब कुछ हो गया, और 2019 में भी मोदी ही आएगा, चाहे कितना कोई कुछ भी कर ले, मोदी ही आने वाला और कोई आने नहीं वाला। देश के लिए सोचते हैं, इन्हें अपने लिए तो कुछ सोचे ही नहीं है। और दूसरा, इतने साल हो गए, 5वां साल पूरा होने वाला है, अभी तक मतलब BJP के ऊपर किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, ना कोई भ्रष्टाचार। इधर से ज़्यादा ईमानदार तो हिंदुस्तान में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जो आदमी 16-16 घंटे काम करता है और वो भी अपने देश के लिए, सबको साथ में लेके चलता है, अमीर क्या गरीब क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। चोरी का उसने कोई काम ही नहीं करा है। और आने वाले समय में हम भी चाहते हैं कि एक बार फिर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेगा, हम गुजरात के हैं, हमको गुजरात का मालूम है, उसके कांग्रेस के शासन में गुजरात कैसा था, और अभी नरेंद्र मोदी का 15 साल के अंदर CM के टाइम के अंदर भी कितना गुजरात है, और अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी गुजरात में क्या डेवलपमेंट, वो हमको ये सब मालूम है। हम हरिद्वार दर्शन करने के लिए आए हैं, 10 साल पहले हम आए थे, तब इधर चलने के लिए गंदगी चारों तरफ दिखाई दे रही थी, अभी हम आए तो हमको गंदगी किधर भी नहीं दिखाई रही है। इतना अच्छा काम किया है, अभी पूरा देश के अंदर गंदगी सफाई का काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा काम है, वो हमारे राष्ट्र के लिए। और क्या चाहिए?
नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोलेंगे, उनके पास उनको पैसा रखना ही नहीं, उसका उसका पूरा पूरा खानदान है बेचारे, खुद काम करते हैं उधर और रोजी रोटी कमाते हैं, एक पैसा भी उनकी फैमिली को नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को पैसा चाहिए तो किधर से भी पैसा ले सकते हैं, 15 साल के अंदर गुजरात का एक भी पैसा नहीं है। उनके पास जो भी प्रेजेंट आती है वो भी वो गरीबों को दान में दे देता है, प्लस उसको हराजी में बेचता है, और जो पैसा मिलता है वो गरीबों को और अपना राष्ट्रीय फंड के अंदर दिया जाता है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी को गाली देना नरात्र एक 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 जात का पाप है, वो ऐसा पाप जो करता है उनको तो पाप भोगतना ही पड़ेगा। कह रहा हूँ कि इस समय सब मोदी मोदी है, सब हर आदमी के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है सब मोदी के पक्ष में है, हर आदमी यही चाह रहा है। अब बाकी व्यक्तिगत कोई घोषणा के वैसा वैसा वो करेगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भविष्य में हमें उम्मीद है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी ही पार्टी उसमें आएगी, बस और क्या। जी जी, विपक्ष जो है सब घबराया हुआ है, इसलिए सब एक हो गया है, उन सब पर भी मोदी जी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके आज हमारे देश की जो स्थिति है विश्व में वो एक सशक्त राष्ट्र की हो चुकी है, जो कि सब जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे या मध्यम वर्गीय हो वो सब कुछ जानता है कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज जो है अगर पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर। जैसे एक छोटी सी बात है, पहले जब गैस LPG आती थी तो लाइन लगती थी लोगों की, घंटों लाइन में लेते थे, आज फ़ोन करके आते हैं, वो खुद फ़ोन करते हैं कि आपकी गैस आ चुकी है। रही वो एक नोटबंदी की बात हुई थी कि बहुत सारे लोग जो है लाइन पे जो ऐसे हुआ, ऐसी तो घटना दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन उससे कितना काला धन जो है, मतलब जैसे कईयों की राजनीति ख़त्म हो गई, कश्मीर में पत्थरबाज ख़त्म हो गए, और चाहे ममता ये क्या कहते हैं मायावती हो, अखिलेश है, ये सब है, इनकी जो सारी जो है राजनीति ही ख़त्म हो चुकी है इस पर, क्योंकि सब कुछ धन तो इन्हीं कुछ कुछ चुनिंदा जो है राजनेताओं के पास था, जिन्होंने गरीबों का पैसा मार रखा था, आरक्षण करते थे लेकिन आरक्षण स्वयं के लिए होता था, जो रियल में आरक्षण का हकदार होता था उसे आरक्षण नहीं मिल पाता था। हमारे देश ने किसी से विश्व बैंक से कोई लोन नहीं लिया है, और केवल पैसा देश के अंदर नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी सब्सिडी ला करके देश के अंदर पैसा ही पैसा कर दिया है, इतना मजबूत देश कर दिया है कि डिफेंस हमारा सबसे ज़्यादा है, सबसे मजबूत डिफेंस हो गया है, पूरा देश मजबूत कर दिया है। अगर मोदी जी हैं तो भारत बहुत मजबूत है। कुछ नहीं है, मोदी जी बहुत ही अच्छा, उनके अंदर कोई कल छपट नहीं है, देश के लिए बहुत अच्छा उनका वो है धारणा है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को, मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा।
जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। भाइयों बहनों, जिन्होंने देश को लूटा है उनको गरीबों को लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 500,000 की नोट बंद कर दी, बैंकों में रुपया डाल करके आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? अब हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? भाइयों बहनों, अब ये बचने वाले नहीं है, वो डिब्बे में आ चुके हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है। आजादी के 70 साल हो गए, लूट करने का काम हुआ है। और भाइयों बहनों, मैंने देश को वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार के नाते बैठा हूं वहां।